अक्षरों को मिलाकर हम दो अक्षर वाले शब्द बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाँ, आइए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए बोर्ड, बोर्ड पर क्या बना हुआ है? एक छोटा बच्चा बना हुआ है ना? इस बच्चे का क्या नाम है? हाँ, तो लिखना है। देखो क्या लिखा है बोर्ड पर, आज बोर्ड है पूरा खाली, टिंकू के पढ़ने की बारी, आओ मिलकर शब्द बनाएं, टिंकू को पढ़ना सिखाएं। ठीक है, तो आज टिंकू स्कूल आया है लेकिन बोर्ड पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? इसको पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे, बारी बारी से आकर सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बगल में देखो ये अक्षर लिखे हुए हैं ना अलग अलग, इन अक्षरों में से अक्षरों को मिलाकर, दो अक्षर समझकर और मिलाकर शब्द बनाकर यहाँ बोर्ड पर लिखना है। लिख जाएगा? कितने बच्चे कर सकते हैं ऐसा? सभी बच्चे प्रयास करेंगे। ठीक है, सोच कर और इसमें से छांट कर यहाँ पर शब्द लिखेंगे। ठीक है ना, शुरू करें। सबसे पहले कौन आएगा? चलिए अदिति आएंगी, आ जाइए अदिति। बारी बारी से सभी लोग आएंगे और सभी लोग शब्द लिखेंगे। जिनको नहीं आ रहा है वो भी प्रयास करेंगे, कुछ तो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रिया संजना कोशिश करोगी ना बेटा? वेरी गुड। चलिए चौक उठाइए, लिखिए एक शब्द लिखिए, कहीं जहाँ पे अट जाए, जहाँ हाथ पहुँचे वहीं लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा थोड़ा सा दिखाई दे। च ट, क्या लिखी है अदिति? च और ट को मिलाकर लिख दी चट। वेरी गुड। चलिए रितु की बारी, आ जाइए रितु, कुछ लिखिए अपने मन से बनाकर। सब लोग एक एक शब्द सोच ले क्या लिखना है ना। चक, चक से क्या होता है? इसका कोई अर्थ हुआ? कुछ अर्थ बनाइए जिसका कुछ मतलब निकले। च से कुछ और अर्थ बताइए। वेरी गुड। हाँ, क की जगह कुछ और लिखो। हाँ चलो पूरा ही मिटा दो, कोई और शब्द बनाओ जिसका कोई अर्थ बन निकले ना बेटा। सोच कर देखो, इतने सारे अक्षर लिखे हैं। वेरी गुड रितु, क्या बनाई? फल। ठीक है, चलिए आ जाइए, आप आ जाइए। आकांक्षा, आकांक्षा कुछ कोई बताएगा नहीं, सब लोग अपना सोच के रखेंगे। वेरी गुड, क्या बनाई है आकांक्षा? फल। चलिए निर्मल आ जाइए, सारे बच्चों को चांस मिलेगा ना, बैठ जाइए आराम से, सबको चांस मिलेगा, जाइए। चलिए निर्मल एक चीज बनाइए, ऊपर जहाँ हाथ पहुँचे वहाँ लिखना है। हल, क्या बनाए निर्मल? बोल कर भी बताओ बेटा। हल ना, ह और ह और ल को मिला दिए, क्या बन गया? चलिए आर्यन, गन, गन मतलब बेटा ये क्या है? हाँ, इंग्लिश वाला गन लिखे हो, ठीक है बैठ जाओ। अनुज, अनुज आएंगे, अनुज सोच कर लिखिए क्या लिखना है।
क्या लिखे हैं अनुज? क्या लिखे हैं? हाँ, लस क्या होता है? लस का मतलब बताइए, लस क्या होता है? लस का कोई मतलब नहीं हुआ ना, बस दो अक्षरों को लिख दिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं बनाना, अर्थ नहीं बनाना। कौन बनाएगा ल से शब्द? रुबीना आ जाइए, ल से बनाना है शब्द, ठीक है? ल स की जगह कुछ और लिख के उसको सही शब्द बनाइए जिसका अर्थ निकले, ल से बनाइए। हाँ, सोच कर। हाँ, रुबीना तीन अक्षर के शब्द बनाए हैं ना, कितने अक्षर है इसमें रुबीना? एक दो तीन। क्या बनाई है रुबीना? लटक। क्या बनाई है? लटक, वेरी गुड। प्रीति आ जाइए बेटा, शोर नहीं करना है, सब बच्चे आएंगे ना, सारे बच्चे बनाएंगे। बनाई प्रीति कुछ भी? क्या बनाई है प्रीति? हाँ, क्या लिखी है बेटा? हाँ, क्या लिखी है? बोलिए, मुंह से बोलिए, कोई बात नहीं। हक। हक का कोई अर्थ होता है? हाँ, वेरी गुड। हक मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? वेरी गुड। और तमन्ना, ठीक है, इसके बाद क्रेश, तमन्ना के बाद क्रेश, ठीक है, क्रेश के बाद सोनम, सबकी बारी आएगी। लंच हो गया? ठीक है, एक बार लिख लेने दो। वेरी गुड। नल। क्या बनाए क्रिश? बहुत बढ़िया, क्लैप करो।